हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड होगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो कि गांधीनगर में सिचुएटेड है। तो इसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया है और जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो स्टार्ट होगा 19 अक्टूबर से। ठीक है, अब बात करेंगे हम लास्ट डेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो 19 नवंबर है टिल 5:30 PM और जो लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल इनक्लोजर, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर अप टू 5:30 PM है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखिए मेंशन किया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके साथ ही आपको अदर इंक्लोजर्स के साथ अपना हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करना है। तो यहाँ पे अपना आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है। तो देखिए अगर हम बात करें डिटेल टीचिंग पोजीशन की, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अगर हम बात करें स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की, तो यहाँ पे देखिए जो नेम है पोस्ट की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो आप अगर उस पार्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी में देखिए A1 वैकेंसी है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए। तो आप डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग जो है इसके अकॉर्डिंग आप जो है अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व है तो जनरल की 1 पोस्ट है, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं और साथ ही जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है और जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे मेंशन की जा रखी है। तो आप ये देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करें देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे कुछ जो है रिजर्वेशन भी है, वो भी आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन सा लाइक रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें पे स्केल की, तो देखिए प्रोफेसर का जो पे स्केल है इट विल बी बिटवीन 1,44,200 टू 2,18,200 और जो नंबर ऑफ पोस्ट 17 है, एसोसिएट प्रोफेसर 28 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 25। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो 57,700 टू 1,82,400। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी जो 70 है। ठीक है, और अगर हम कैटेगरी में देखें तो एससी में 10, एसटी में 5, ओबीसी में 16, ईडब्ल्यूएस में 5, अनरिजर्व में 31। तो देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी में जो वैकेंसी उसे भी स्प्लिट करके दिखाया गया है। अब बात करें अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस पब्लिकेशन की, तो ये रहेगा आपका यूजीसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर के लिए आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए कंसर्न्ड और रिलेवेंट डिसिप्लिन में, 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर। वही बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री होनी चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एमएससी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स और आपको यहाँ पे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या रिसर्च का, तभी आप जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है यूजीसी सीएसआईआर नेट या अदर नेट जो भी होता है, तो यहाँ पे देखिए यूजीसी सीएसआईआर नेट या जो स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है अगर आपने वो भी क्वालिफाई किया तब भी आप जो है एलिजिबल यहाँ पे हैं। तो आपको 2 कंडीशन यहाँ फुलफिल करनी पड़ेंगी। वहीं अगर आप 2009 से पहले आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया तो आपको नेट वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरी कंडीशन है अगर आपने पीएचडी की फॉरेन यूनिवर्सिटी की है, तो वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी की है इट शुड बी अंडर टॉप 100 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो क्यूएस रैंकिंग, दा रैंकिंग, एआरडब्ल्यूयू रैंकिंग, तो इन रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो आप जो है डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो एलिजिबिलिटी वो सब सेम रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें ऑलरेडी दे रखी है। अब मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट अगर दे रखा है जैसे कि फी पेमेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना जो है फी वो लगेगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशन आपको अपने एनवेलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट अप्लाइड फॉर स्कूल सेंटर, तो इस टाइप का आपको एनवेलप पे लिख के जो है सेंड करना है रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात सेक्टर 2019-29 गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में जो है अपना एनवेलप पे पूरा लिखना है। ठीक है, और जो आपका ये एनवेलप है इसे बिफोर 30 नवंबर 2020 को पहुंचना है, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर और अदर टेस्टिमोनियल जो है आपके 30 नवंबर 2020 से पहले जो है वो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है,
और इसमें देखिए लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 19 नवंबर है, और जो लास्ट डेट रिसीव करने की हार्ड कॉपी वो 30 नवंबर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फी पेमेंट की। तो आई थिंक मे भी फी पेमेंट नीचे दे रखा होगा, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कितना फी पेमेंट है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैटेगरी की अगर आप तो 500 रुपीज़, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 250, और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन वुमेन, तो आपको यहाँ पे कोई भी फी जो है वो पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब गाइडलाइंस है, स्टेप्स हैं जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.cug.ac.in पर जाके जो है भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको पार्ट वन में भरना है, पार्ट टू में एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सब जो है ऑलरेडी दे रखा है। तो आप जो है जैसे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये सारे जो ऑप्शन जो है वो आएंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने जो अपना मेथोडोलॉजी है फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर फॉर कैलकुलेटिंग एपीआई इंडेक्स एंड एकेडमी और रिजर्वेशन स्कोर, तो ये सब जो है आपको फिलअप करके सेंड करना है अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन, और आपको हर चीज का प्रूफ देना है। जैसे अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो रिसर्च पेपर का प्रूफ, या अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसका जो आपको प्रूफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी ये सब दे रखा है तो आप ये सब देख सकते हैं। बाद में कास्ट सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुजरात, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देख ले दूसरा नोटिफिकेशन, तो दूसरा नोटिफिकेशन ये कूच बिहार पंचानन बर्मा यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए इन्होंने पहले अपना जो एलिजिबिलिटी वो यहाँ पे दे रखा है कि पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए और रेगुलर मोड में होना चाहिए, दो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपके थीसिस को इवेलुएट किया हो, आपका पीएचडी में जो वाइवा वॉस हुआ हो, और आपके रिसर्च वर्क से आपका जो है मीन्स आपके थीसिस से 2 रिसर्च पेपर भी होने चाहिए, और आपने अपने 2 पेपर जो है वो किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक उनके लिए जिन्होंने 2009 से पहले जो है पीएचडी रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें देखिए असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, तो देखिए जितनी भी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो पे स्केल वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यूजीसी जो है इसे डिसाइड करता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए क्या क्या जो पे स्केल वो कितना होना चाहिए। साथ ही जो एलिजिबिलिटी वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, कुछ नया इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपके जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ नीचे। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपीज है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, नो यहाँ पे सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है 500। ठीक है, वही अगर बात करें कि तो ओबीसी के लिए 250 है, ओबीसी ए ओबीसी बी और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और एससी एसटी से यहाँ पे कोई भी फी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 12 अक्टूबर को, और जो लास्ट डेट है वो इट विल बी 9 नवंबर 2020। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी कूच बिहार पंचानन बर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपका डिस्कस कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सा जो जयपुर प्रोफेसर की एससी में 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व में 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 रिजर्व में 1 है, ओबीसी बी में 1 है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि आप कौन सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, और अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसमें वैकेंसी है कि नहीं, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और देख ले नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये टेम्परेरी वैकेंसी है और ये क्लास बेस्ड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट जो मेंशन कर रखे हैं और साथ ही साथ जो रोस्टर वाइज वैकेंसी है वो भी यहाँ मेंशन की जा रखी है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बॉटनी जूलॉजी जिन भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या रूल और जो भी नॉर्म्स होंगे वो एज पर यूजीसी रेगुलेशन होंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 है और 700 है फॉर एसटी एसटी और पीएच के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है पढ़ाने का या टीचिंग आपको इंटरेस्ट है तो आप जो है नीलांबर पताम्बर यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और जो यहाँ पे लास्ट डेट है वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर अदर टेस्टिमोनियल शुड बी रीच बिफोर 26 नवंबर 2020 टिल 5 PM। ठीक है, तो आपका 26 नवंबर टिल 5 पीएम से पहले जो है आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको फिलअप करके सेंड कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं एक और यूनिवर्सिटी की जो कि
है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रामजस कॉलेज है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, रामजस कॉलेज। यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी ये नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ पे देखिए बॉटनी और संस्कृत के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है बाई 24 अक्टूबर एट गिवन कंसर्ट में, तो यहाँ पे आपको जो है अपना जो एप्लीकेशन है वो सेंड करना है। बॉटनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो botany@ramjas.du.ac.in, अगर आप संस्कृत में अप्लाई करना चाहते हैं तो sanskrit@ramjas.du.ac.in पर आपको जो है ये सेंड करना है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो इट विल बी 24 अक्टूबर, एंड कल डे आफ्टर टुमारो 24 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है, तो उससे पहले जो है आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।